हेलो फ्रेंड्स, आज है 6-6 पोर्टल। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आखिर ये 6-6 पोर्टल क्या है। हमने 12-12 पोर्टल सुना है, 11-11 पोर्टल सुना है, 2-2 पोर्टल सुना है, और अब ये 6-6 पोर्टल। जी हाँ, आज है 6-6 पोर्टल, और आज हम 6-6 पोर्टल के बारे में ही मैं आपको डिस्कस करूंगी और मैं आपको समझाऊंगी कि ये 6-6 पोर्टल आखिर है क्या और कैसे हम इसकी एनर्जीज को अपने हाईएस्ट गुड के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6-6 पोर्टल मतलब किसी भी मंथ का 6th मंथ और डेट अगर 6th है तो इसका मतलब है 6-6 पोर्टल। तो मंथ क्या है? 6th मंथ है। और डे क्या है? 6th, टुडेज 6th। तो ये हुआ हमारा 6-6 पोर्टल। ऐसे ही बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं कि जैसे 11-11 पोर्टल, 12-12 पोर्टल। तो इनका मतलब क्या है? 12th मंथ 12th डेट, 11th मंथ 11th डे। सो ये सारे दिन में अब ऐसा क्या खास बात है जिसके लिए इनको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है? एक्चुअली इन डेज पे जो आपके एनर्जीज होते हैं, जो यूनिवर्स के एनर्जीज होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज होते हैं, एंजेलिक एनर्जीज होते हैं, डिवाइन जो पार होता है वो 10x होता है, 10x से भी ज़्यादा एक्चुअली। तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत बहुत हाई होते हैं, और इसीलिए हम इसको एक पोर्टल बोलते हैं, क्योंकि ये एक रास्ता होता है। पोर्टल मीन्स एक रास्ता, जो रास्ता हमारे लिए होता है जिससे हम अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो हम पा सकते हैं। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक से हम उन ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं जो हमने हमेशा से सोचा था कि हमको चाहिए और हमको मिल नहीं पा रही है। तो इसीलिए ये पोर्टल्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत एनर्जेटिक भी होते हैं, इन टर्म्स ऑफ अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं या फिर आप कोई ऐसे मैनिफेस्टिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं जिनसे आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं या हमको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए, अपने हाईएस्ट गुड के लिए वर्क कर सकें। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक लेके आई हूँ। इसको बोलते हैं बे लीफ रिचुअल। या यू हर्ड इट करेक्ट, इट इज़ बे लीफ रिचुअल। बे लीफ मतलब तेज पत्ता। अब आप सोचेंगे ये तेज पत्ता कहां से आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में तेज पत्ता कैसे? आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे किचन में और हमारे डेली यूज में आने वाले कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं, और ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं जो हीलिंग की वर्ल्ड में आम तौर से यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स में यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में यूज करते हैं, लोगों को हील करने के लिए, उनके रिलेशनशिप हील करने के लिए और किसी भी तरीके की हीलिंग करने के लिए हम उन स्पाइसेस को यूज करते हैं। ऐसा ही एक स्पाइस है बे लीफ, उसको बोलते हैं हिंदी में तेज पत्ता। तेज पत्ता एक बहुत ही पावरफुल स्पाइस है जिसे हम मैनिफेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ तेज पत्ता। तेज पत्ता इस तरीके का दिखता है, बे लीफ। ओके, तो आपको क्या करना है, अब मैं इसको प्रोसेस बताती हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बे लीफ लेंगे वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई भी छेद नहीं होने चाहिए, कटा पटा नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी पॉइंट भी होनी चाहिए, पूरा साबुत बे लीफ होना चाहिए। पीछे के साइड इसकी ऐसे लाइंस होते हैं, पर हमको जो भी लिखना है, हमको जो भी करना है, सामने की स्मूथ वाली साइड में करना है। अब आपको क्या करना है, एक बे लीफ ले लेनी है, आपको इसमें अपना इंटेंशन डालना है, बे लीफ पे अपना इंटेंशन डालना है। अब मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो 6-6 पोर्टल है, हम उसको
अपनी कोई ऐसी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए यूज करेंगे जिसे हम अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं। ये 6-6 पोर्टल है आपके लिए। अगर आप अपनी लाइफ से बीमारियों को हटाना चाहते हैं, बैड हेल्थ को हटाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई एडिक्शन है उसे आप हटाना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं पर हट नहीं पा रहा, आप एडिक्शन को हटाना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं आज का पोर्टल। अगर आपके बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत कर्जा है, उसे हटाना चाहते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ से आप इरेडिकेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, आप ये बेलीफ रिचुअल आज उस चीज़ के लिए करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक आपको इसमें रेड पेन ले लेना है। इसके लिए हम रेड पेन का यूज़ करेंगे बिकॉज हम किसी भी चीज़ को हटाना चाहते हैं, राइट। तो हम रेड पेन यूज़ करेंगे। अगर बाय चांस आपके पास रेड पेन नहीं है तो आप ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेन या मार्कर। अब इस पे आप अपना इंटेंशन डालेंगे कि मुझे बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट होना चाहिए कि इल हेल्थ या फिर एडिक्शन, स्मोक एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन या डेट रिमूवल। आप ऐसे छोटे छोटे, आप छोटे से वर्ड्स लिखेंगे जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट हैंड पे इस बेलीफ को रखना है, फिर अपने राइट हैंड से इसको प्रेस करना है और अपनी आईज क्लोज करके इसमें इंटेंशन डालना और उसे प्रे करना है कि बेलीफ आप प्लीज़ जो भी मेरे डेट्स हैं या जो भी मेरे रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं या फिर जो भी मेरे स्मोकिंग के एडिक्शन है या अल्कोहल के एडिक्शन है या जो भी मेरे हेल्थ के इश्यूज हैं वो सब बिल्कुल दूर हो गए हैं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल एडिक्शन फ्री हूँ, मैं मेरे कोई भी डेट्स नहीं हैं और मैं बहुत ही बहुत ही बहुत हैप्पी हूँ। और आपको इसको विजुअलाइज करना है कि आपके अगर जैसे डेट्स के लिए आप कर रहे हैं तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपके डेट्स हट गए हैं। अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आपको विजुअलाइज करना है कि आपकी बहुत गुड हेल्थ है और आप बहुत ही हेल्दी हैं, भाग दौड़ रहे हैं। आपको ये सोचना है, ये इंटेंशन डालना है। अगर आप अपने एडिक्शन के लिए ही कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि आपने बिल्कुल आप एडिक्शन फ्री हो गए हैं और आपको डी एडिक्ट हो गए हैं और आपको कोई एडिक्शन नहीं है और आप बहुत हैप्पी हैं इसमें। आपको ऐसा फील करना है, पूरा दिल से, ट्रस्ट से अपना इंटेंशन डालना है और फिर आप इसको बे लीफ को बालकनी में ले जाइए या कहीं टेरेस में ले जाके इसको जला दीजिए विद एन इंटेंशन कि आपका ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई है। याद रखिएगा कि इसको प्रेजेंट टेंस में ही करना है कि आपको उस तरीके से आपको वो चीज़ मिल चुकी है, आपका वो एडिक्शन दूर हो चुका है, आपके हेल्थ इश्यूज दूर हो चुके हैं, ऐसा आपको सोचना है। और जला के जो भी इसके एशेस बचेंगे वो आपको यूनिवर्स में करके ब्लो कर देने हैं, ठीक है। अब आप ब्लो करते करते आपको यही इंटेंशन डालना है यूनिवर्स में कि आप अब यूनिवर्स, मैंने आपको अपनी अपने अपने इंटेंशंस मैंने आपको बता दिए, मैंने अपना मैनिफेस्टेशन, मैंने अपना डिज़ायर आपको बता दिया, अब रेस्ट इज़ अप टू यू दैट यू डू वट एवर इज़ देयर फॉर माई हाइएस्ट गुड। और अब आप उसको करके भूल जाइए, लेट इट गो। अब आप उसको स्टिक करके मत बैठिएगा कि अरे मैंने तो ये किया था, वैसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये सब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उसको ब्लो करना है, यूनिवर्स को दे देना है, जैसे भगवान को हम सौंप देते हैं चीज़, वैसे ही आपको ब्लो करके सौंप देनी है उनको। अब वो उनका काम है, वो आपके लिए रास्ते ढूंढेंगे, रास्ते बनाएंगे और आपके धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रास्ते बनने लगेंगे। एकदम से तो चुटकी बजा के तो कोई काम भी नहीं होता है, तो धीरे धीरे आपके वो रास्ते बनेंगे, आपको वो सही तरीका, सही एक पाथ मिलेगा जिससे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से इरेडिकेट कर सकते हैं और उस चीज़ से हट सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ज़रूर से आज ट्राई करिएगा, इसका कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी इसको पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो इसको ट्राई करिए और अपने हाईएस्ट गुड के लिए इसको यूज़ करिए टेक्निक को और मुझसे शेयर करिएगा रिजल्ट्स। थैंक यू, लव एंड लाइट टू ऑल।